absolutely fantastic. और मैं मुझे कई लोगों ने कहा था कि बहुत ही अच्छा शो है, बहुत कमाल का शो है, लेकिन इतना अच्छा मैं ये कभी मतलब यकीन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि हर डिपार्टमेंट में हर चीज़ में और लाइव लोग गा रहे हैं, इतना कमाल गा रहे हैं, उसके साथ डांस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, हर घर द सेट्स आर सो वंडरफुल. मेरे दोनों बेटे यहाँ, एक 11 साल का होने वाला है, एक 14 साल का होने वाला है. तो मेरे बड़े बेटे ने अभी एक शो अपने स्कूल में थोड़ा डायरेक्ट किया था, लाइटिंग वाइटिंग का कुछ चार्ज था, वो यहाँ तो आकर मतलब वो बिल्कुल खोसा गया है, हर जगह देख रहा है, सेट्स देख रहा है, तो बहुत खुश हुए आकर. और ऑलरेडी इंटरवल में जितने मेरे दोस्त थे व्हाट्सएप में छुपी था, सबको बताया हूँ कि बस 3 दिन बाकी है, जल्दी आ जाए, नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे ज़रूर वीडियो में 20 देखें. और वेरी प्राउड दैट समथिंग लाइक दिस, अ प्रोडक्शन ऑफ दिस स्केल हैज़ बीन एबल टू हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड हियर इन मुंबई इन इंडिया. सो फीलिंग रियली प्राउड अबाउट दैट. नहीं बिल्कुल, मुझे तो स्पेशली जो गास्टन जो कैरेक्टर, वो इतना डांस कर रहा है, स्टॉम्प कर रहा है, फिर भी उसके साथ उसके सुर नहीं हिल रहे हैं, उसके वॉइस स्टेडी है. सब बहुत सारे इनके सारे परफॉर्मेंसेज, ब्रायन टेलर्स मेरे बहुत बहुत बचपन के दोस्त हैं, तो एंड इस उम्र में भी कमाल कर रहे हैं ब्रायन. गिव्स मी अ लॉट ऑफ मेक्स मी फील वेरी इनकरेज्ड के एज इज़ नो बा, इज डन सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. बक्स भार्गवा, इनके साथ मैंने बहुत एड्स किए हैं, बहुत जिंगल्स किए हैं, बहुत बड़े थिएटर के पर्सनैलिटी आर्टिस्ट हैं, वो भी इतना अच्छा कर रहे हैं. और बाकी सारे नए हैं, लेकिन सबके सब कमाल. नहीं बिल्कुल, हम लोग जब न्यूयॉर्क में, लंदन में बहुत सारे ऐसे ब्रॉडवेज लाइव म्यूजिकल्स देखे हैं और बहुत कमाल का परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन कभी इंडिया में भी ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं पहले. मैं भी ऐसे एक म्यूज़िकल दुबई में किया था, दो शो जावेद जाफरी के साथ, मलाइका अरोड़ा के साथ, लेकिन नथिंग कम्पेयर टू दिस. दिस इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, स्पेक्टेकुलर. बहुत मुश्किल है इस तरह की टैलेंट, इस तरह की एक टीम, इस तरह का आई थिंक वॉट एवर एक्सपेंस और डिज्नी बींग इन्वॉल्व, आई थिंक दैट मेक्स अनदर ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि उनकी ये एक्सपीरियंस है. हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें, जिस तरह से ये इतने सालों से ये करते आए हैं, तो सारे जो उनको पता है कि कैसे होना चाहिए इस तरह का शो, तो उनकी ये साझेदारी से, कलेबोरेशन से ये शो इतना कमाल का हुआ है. और बहुत कुछ अब सीख कर हमारी जो खुद की प्रोडक्शन टीम्स हैं, वो ज़रूर ऐसा कुछ कर पाएंगी, लेकिन कोई फॉरेन टीम का आना, हमें समझाना, हमें सिखाना, ये ज़रूरी है. एंड इन ऑल ह्यूमिलिटी वी शुड एक्सेप्ट दैट. बस एक और जस्ट हाफ वे थ्रू, तो हाफ टाइम बाकी है, तो और भी कुछ बहुत कमाल के सीन्स, गाने, परफॉर्मेंसेस देखना है. और मैं बहुत थ्रिल्ड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम फीलिंग वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड बाय दिस वंडरफुल शो.